और एक और बड़ी खबर देहरादून से इस समय मिल रही है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत दो दिन से सदन नहीं जा रहे थे, लेकिन आज तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम कयासों के होने के बावजूद हरक सिंह रावत सदन पहुंच गए हैं। दो दिनों से वो सदन नहीं पहुंच रहे थे, आज बजट भी पेश होना है उत्तराखंड विधानसभा में। पंकज पवार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, हालांकि नाराजगी उनकी जग जाहिर है, लेकिन कम से कम प्रोटोकॉल का ख्याल उन्होंने रखा है, आज महत्वपूर्ण दिन है सरकार के लिए। देखिए, आज कैबिनेट में, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद हरक सिंह रावत अभी सदन के अंदर गए हैं, लेकिन उससे पहले समाचार प्लस पे उन्होंने इतना बड़ी निशाना जो है वो किशोर उपाध्याय पर साधा है और साफ तौर पर कहा है कि किशोर उपाध्याय ने जिस तरीके से संगठन में लोग भरे हैं वो चिरकुटों की फौज भर दी है और साफ तौर पर विधायकों पर की उपेक्षा की जा रही है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि सब नाराज होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाली देने वाले लोगों को, जो हमें गाली दे रहे हैं, उनको पदाधिकारी बना दिया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किशोर उपाध्याय जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये निशाना साधा है। आज सदन के अंदर हरक सिंह रावत गए हैं, तमाम अटकलों पर विराम तो लगी है। ठीक है, यानी कि कम से कम आज बजट जब पेश होगा तब हरक सिंह रावत सदन में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।